हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हालचाल, आई होप सबके बढ़िया होंगे। और यार आज कोई हम बढ़िया गेम प्ले नहीं लेके आए, और मतलब एक ऐसा गेम प्ले लेके आए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर से कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी हम गेम प्ले लेके आते हैं, जो भी वीडियो डालते हैं, ऑफलाइन हाईलाइट डालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में कुछ अलग सिखाने वाले हैं। तो यार हुआ क्या कि एक्चुअली हम लोग जोधपुर लूट करके फिर हम निकले, तो देखा कि फ्लेयर व्लेयर चल रही है, तो हमने घूमना स्टार्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे कुछ बंदे लेटे हुए हैं, तो कुछ सोए हुए हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं अपनी मस्ती से। चलो यार सही है, उन्हें करना चाहिए यार, ऐसा उनका हक है, हम कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर सांप कोई बन रहा है तो भाई उन्हें प्रोन का बटन दिया हुआ है, भाई बनना चाहिए, बनो भाई। चलो अच्छी बात, उन तक ठीक है यार, सांप तक। तो यहाँ पे हम लोग फिनिशिंग करते हैं, जिस भी तरह से फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करके हम थोड़ा आगे निकलते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. तो गाइस हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया बंदे खोजना, 19 बंदे बचे हैं, मतलब बहुत कम बंदे। तो ढूंढो यार, ढूंढ ढूंढ के मारने की जो आदत है हमारी वही चल रही है। तो अभी हम लोग एक बार ब्रिज पे चेक करके आ रहे हैं, बोल सकता है कोई ब्रिज पे बैठा हो तो हम उनसे फाइट ले लेंगे, क्योंकि फ्लेयर वाले तो ऑलरेडी हमने डेड कर दिए थे। तो अभी फ्लेयर ब्रिज पे चेक कर रहे हैं गाइस, ब्रिज पे चेक कर लिया, कोई बंदे नहीं है। मैंने कहा ठीक है यार, अभी रिटर्न ले लो, अभी जोन के अंदर कहीं देखते हैं, शायद कहीं बंदे दिख जाए। तो यहाँ से जैसे हम लोग रिटर्न हो रहे थे, हमें एक लेफ्ट साइड में गाड़ी दिखती है, तब हमें नहीं सबको दिखती है, दिखती नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं सच सच बताता हूँ तुम्हें, कि हमारी गाड़ी में फ्यूल कम था, और लेफ्ट साइड वाली गाड़ी में इसमें हमने सोचा कि खड़ी हुई है पहले से तो इसमें फ्यूल होगा, तो हमने ये निकालने की कोशिश की। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। चलो यार, तो टीममेट को गाड़ी दिख गई कि दूर से भाई गाड़ी आ रही है, तुम उसको सपोर्ट करो, ठीक है। सपोर्ट कर लिया तो अभी गाड़ी रुक गई फाइनली। तो अभी मैंने कहा यार ओम ले रखी है, तो यार मजा तो आना चाहिए ओम का, तो अभी निकलो यार, क्लोज फाइट नहीं लेंगे, क्योंकि एक एम होती तो फिर तो क्लोज में बनता है यार। तो अभी हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, ऊपर। और जैसे ही ऊपर जाते, मैंने हाथ में AWM ले ली, और मतलब AWM ली और मैंने मूव किया, इतना ही मेरे को टाइम लगा, ठीक है, मेरे को मूव करने का इतना ही टाइम लगा। और फिर हमारा टीममेट आ रहा था नंबर वन, जो कि कई बंदों को देख ही नहीं पाया, नॉक हो गया। ऐसा कब होता है, जब होता है कि, और फाइनली हमने नंबर तीन को बुलाया कि भाई तू आ जा यार हमें उठाने के लिए, तो उसने भी मतलब उसने तो मना नहीं की, लेकिन भाई बंदों ने स्प्रे ऐसा मारा खतरनाक, प्रो बंदों ने, कि उसे नॉक फिनिश कर दिया। और इसके टीममेट का KD देखो यार, 1 point कुछ का, भाई हद होती है। देखो इसमें हम सिखाएंगे आज आपको कि हैकर को कैसे पहचान सकते हो, मतलब ये बंदा हैकर है कि नहीं है। न्यू अकाउंट यार सबके होते हैं, लेकिन हम हैकर नहीं बता सकते। अभी देखो इसने दो बंदे या तीन बंदे, हाँ तीन मैन, थ्री मैन स्क्वाड था यार, कैसे खत्म कर दिया, कितना जल्दी खत्म कर दिया यार। बंदे हमें भी नहीं दिख रहे, देखो स्पेक्टेट करके देख रहा हूं मैं, और मैंने तभी बता दिया था जब मेरी पूरी टीम फिनिश हुई थी, तभी मैंने बोल दिया था हैकर है, क्योंकि यार मैं बता सकता हूँ, मेरे को आइडिया है, इतने दिन से मैं खेल रहा हूँ पबजी, कि कौन हैक करके खेलता है कौन नहीं खेलता। तो देखो तुम्हें करना क्या है, तुम स्प्रे जब तक नहीं पहचानोगे ना कि बंदे का कैसे स्प्रे लग रहा है, यार इतना ज्यादा फास्ट स्प्रे लगा है ना इस बंदे का, मतलब कुछ कह नहीं सकते। हमें टाइम नहीं मिला यार, इतना रिएक्शन तो हमारा भी है कि इतना तो टाइम लगता है,
और एक बंदा अगर कंटिन्यूअसली दो बंदों को नोक करेगा तो होता है यार। अभी भी देखो चलती गाड़ी में कैसे बिना स्कोपिंग के यार सीधा कर्सर से ही उतार दिया। ओपी यार, उसको पता है वहां भी बंदा है, ठीक है। मतलब जिस बंदे के पास ईएसपी होता है, एमबोट होता है, ईएसपी वाले बंदे खाली पोजीशन पता करते हैं और एमबोट वाले बंदे हार्ड पे मारते हैं, ठीक है। तो अब ये बंदा देखो दीवार के आर पार गोली मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको बंदा दिख रहा है लेकिन इसको ये नहीं पता है कि दीवार है। अभी देखो दीवार के पूरे कोने पे। अब तुम ये मत, ज्यादा ज्ञान वाले लोग ये मत बोलना वीडियो के अंदर कमेंट में कि भाई ये ग्लिच चाहिए तेरा। तो यार ग्लिच तो मैं आगे भी दिखा दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। इसको दिख रहा है गाइस, इसको बंदा दिख रहा है कि बंदा वहां पे बैठा हुआ है। हमारी आंखों पे पट्टी होती है, इसकी आंखों पे पट्टी नहीं होती, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अभी ये निकल रहा है। देखो एक यार, एक तुमसे एक बात करनी है। तुम काफी बंदे हैकर की स्ट्रीम देखना पसंद करते हैं, मतलब यार वैसे हैकर को तुम प्रीफर नहीं करते। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं यार, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनका चैनल अभी क्या बताऊं मिलियंस में खेल रहा है। वो लोग हैक करते थे और उन्होंने क्या किया, जैसे हैक करते पकड़े गए, एक वीडियो बनाया, वो बस वही डंडी रोना शुरू, जो सब था वो किया, उसके बाद फिर से वही मोबाइल पे शिफ्ट हुए कुछ दिन, फिर वही अपना आ गए एमुलेटर पे। और अब क्या पता है भाई उनका हैक करते कि नहीं करते, ठीक है। और सपोर्ट भाई, सपोर्ट तो पूछो मत यार, इतना मिल रहा है ना उनको। अभी भी ये बंदा देख लो, देखो इसको पता था बंदा वहाँ है, इसने मारा है। ये बंदा तब फायर देता रहता है जब वॉल नहीं होगी सामने, तो बंदा मर जाएगा, अदरवाइज मारता रहेगा, क्या दिक्कत है। सबको मार दिया गाइस, फाइनली यहाँ पे 13 किल इसने कर दिए। तो हम यहाँ थे, देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, हैकर को सपोर्ट मत करो, सीधा रिपोर्ट मारो। कोई भी नया अकाउंट अगर तुम्हें दिखता है ना, 50 बंदे रिपोर्ट मारो, मतलब जितने बंदे तुम हो मार सकते हो मारो रिपोर्ट। देखो अगर लेजिट बंदा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, रिपोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर हैकर हुआ तो बैन हो जाएगा भाई यार। लेकिन आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो है, पेड हैक आ गए, लेकिन सबके पास पेड हैक नहीं है गाइज, बहुत कम बंदे हैं जिनके पास पेड हैक है। तो यार ये रिक्वेस्ट है मेरा कि हैकर्स को यार रिपोर्ट मारा करो जितना कोशिश हो सके। और अभी मैं फिर से इनका और भी दिखाऊंगा तुम्हें। तुम ये कह रहे होगे ना, काफी बंदे ज्यादा जो समझदार है वो कह रहे होंगे भाई कि तेरा ग्लीच है ये, तेरा तू स्पेक्टेट कर रहा है तो ग्लीच है। तो यार अभी और देखो, अभी 2-3 किल और करेगा ये बंदा, कैसे किल करता है। जब तुम बंदे को स्पेक्टेट करते हो, एक चीज ध्यान रखना, अगर हैकर होगा तो मतलब कहीं भी दीवार या उसके आर पार भी स्कोप इन करके देखेगा ना, तो मतलब ऐसे देखेगा, किस तरह से समझाऊं मैं तुम्हें। अभी देखो, अभी ये बंदा करेगा कुछ तो मैं समझाता हूं तुम्हें, थोड़ा वेट करो। हैकर को कैसे पकड़े, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो यार, हैकर अगर होगा, उस बंदे का कर्सर, मतलब कि गन का कर्सर जो होता है ना, जो एम वाला, अब देख इसका कर्सर, देखो कर्सर इसका वहीं जा रहा है दीवार के आर पार। भाई इस साइड बंदा थोड़ी है, दीवार मतलब उधर है बंदा, और इसको पता है वहां पे बंदा आया। देखो देखो इसने वहीं पे कर्सर किया, वहीं पे एम किया, स्कोप इन किया है। और अभी देखना, वो देखो हेड पे मारा है उसको, नोक कर दिया। इसको बंदा दिख रहा था कि वहां पे बंदा है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि यहाँ पे मतलब हायर रिच है। ये तो हैक करके खेल रहा है ना, तो इसको वो बंदा दिख रहा है, इसलिए वो बंदे को देख रहा है ना कि रिच को। अभी इसको ये भी पता है कि बंदा कहाँ है। देखो रैंडम फायर, कोई स्कोपिंग नहीं, दोनों खत्म। क्या बात है भाई, लेजिट प्लेयर यार। तो यार अगर कुछ समझ में आया ना तुम्हें कि हैकर को कैसे पहचानते हैं, अभी भी देखना फिर करेगा ये। अब देखो इस बंदे को नोक कर दिया, दूसरा इसका कर्सर वहीं पर जाएगा जहां पे बंदा है। देखो वहीं पे जा रहा है कर्सर, वो एम गन का एम वहीं जा रहा है। पेड़ है लेकिन पेड़ को भी नहीं देख रहा ये बंदा। अगर हम क्या करते हैं रियल में, अगर देखते हैं तो पेड़ दिखेगा तो भाई बंदा नहीं दिख रहा। चलो मैं थोड़ा सी तरह से और यार फाइनली खत्म। तो यार हैक मत क्या करो गाइज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना यार। कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आई कि नहीं आई। और ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज हम डालते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो तब तक के लिए लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।